नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तो देखिए, स्वास्थ्य आपका काफी अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे, यानी कि काफी मजबूत होंगे। तो रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो आपकी रिलेशनशिप काफी अच्छी दिखाई दे रही है तुला राशि वालों के लिए। इसके साथ ही साथ आपके पक्ष में व्यापार से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वाणिज्यिक मामले आपके पक्ष में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अवरोध किसी भी तरह का अगर है तो अवरोध दूर होगा। कामकाजी परिस्थितियां आपकी संवरेंगी, योजनाओं में तेजी लाएंगे, अच्छे लाभ की संभावना बनी रहेगी, यानी कि अच्छे लाभ की संभावना भी आपकी बनी रहेगी। अगर आप पेशेवर में हैं तो यहाँ पर आपको आपके साथियों से समर्थन मिलेगा और उनकी ऊर्जा का बहुत अच्छा उपयोग आप करेंगे। विरोधियों की बात करें तो आपके विरोधी फिलहाल तो शांत रहेंगे, और अपने स्मार्ट वर्किंग को आप बढ़ाइए, क्योंकि भाग्यवर्धक स्थिति आपकी बनी हुई है। आपको पद समृद्धि का बल भी मिलेगा, यानी पद समृद्धि में आपको और अच्छी अपेक्षा आपके जो जितने भी चाहे वो आपके जो लोग आपको कमतर आंकते हैं वो भी थोड़े चौंक जाएंगे जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। स्वास्थ्य आपका काफ़ी बेहतर होगा, जोखिमपूर्ण कार्यों से भी आप फिलहाल बचेंगे। अनुशासन निरंतरता पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, निरंतरता कंटिन्यूटी, ये दोनों अगर आपके व्यवहार में शामिल होगी तो ये दोनों से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, व्यक्तिगत गतिविधियों को बढ़ाइए और छोटों पर प्यार बरसाते रहिए तो आपके काम बहुत अच्छे होंगे। व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखिए। इसके साथ ही साथ धर्म कार्यों में भी आप रुचि लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है कुछ यात्रा करने का भी योग इस दौरान बने। कार्य क्षमता में वृद्धि फिलहाल आपकी बनी रहेगी और सबके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे और सहज प्रयासों को भी गति देंगे।